मेरी आवाज ना वैसी हो गई जेम्स बॉन्ड की तरह एकदम, हेलो पीपल। हंसी भी आ रही है यार। नमस्कार आप सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरी ना आवाज कुछ ऐसी ही रहने वाली एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह, बिकॉज मेरी तबीयत तो थोड़ी बेहतर हो गई इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 5 डेज अगो, बट मेरी आवाज ऐसी रहने वाली है। सो फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी यस्टरडे, शी सेड कि कैसी चल रही है जिंदगी। ऐसे जिंदगी तो अच्छी चल रही है, बट अगर कुछ आवाज से कुछ कर सकते हैं ना तो और भी बेहतर हो सकती थी। तो मतलब ऐसा है मेरी आवाज का, मतलब ये हालत है अभी। तो अभी ना क्या, देखो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यस्टरडे आई स्लेप्ट एट 12, मतलब 12 भी नहीं, 1 बजे करीबन मैं सोया था। और आज अभी अभी मैं उठा हूँ करीबन 12:30 बजे, मतलब 12 घंटे की नींद ऑलमोस्टली है, क्योंकि बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा हालत थी। तो क्या होता था ना कि मॉर्निंग में मेरी तबीयत अच्छी हो जाती थी, आफ्टरनून में थोड़ी ख़राब, और इवनिंग आते आते सोते सोते तो मतलब क्या बताऊँ, गले में इतना दर्द, इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना। तो और मेरी भी गलती थी इनफैक्ट कि मैंने दवाइयाँ शुरू कर दी थी, फिर मैंने दवाइयाँ छोड़ दी बीच में, बिकॉज मेरे दवाइयाँ से बहुत एलर्जी है एक तरह से, मतलब नॉट जनरली एन एलर्जी, बट लाइक मुझे पसंद नहीं है एलोपैथी दवा यूज़ करना, आई डोंट यूज़ एट ऑल। आयुर्वेदिक थोड़ा मोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो फिर अब मुझे अच्छी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। एनीवे मैं अभी 1 बजे उठाऊँ तो थोड़ा देर कुछ रिचुअल्स करेंगे एंड देन आई विल गेट बैक टू माई वर्क, रीजनिंग क्वेश्चंस बनाएंगे जितना हो पाएगा उतना करेंगे, और उसके बाद मतलब दिन को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई विल शो यू माई इवनिंग प्रोसीजर, हाउ माई इवनिंग एंटायरली गोज, कि मतलब जैसे मैं पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था, तो इस ब्लॉग में भी कुछ खास चेंजेस नहीं है। इवनिंग में दिखाऊँ कि पूरे इवनिंग मैंने किया क्या है आज। तो ये मेरा टाइम का मटेरियल और ये है अरुण शर्मा। तो बहुत लोग मटेरियल के बारे में पूछ रहे थे आप लोग, सो द बेस्ट थिंग इज कि आप कोई भी मटेरियल उठाओ, सब में से क्वेश्चन देख के बनाओ, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन किसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तो मैं दोनों ही प्रेफर करता हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगा ना तो मैं थोड़े इसके भी क्वेश्चन बनाऊंगा, अरेंजमेंट के क्वेश्चन, और इसमें भी थोड़ा अरेंजमेंट के क्वेश्चन, अगर कुछ टफ वाले होंगे तो उठा लूंगा। इसके क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट बना चुका हूँ, तो मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे कोचिंग में एनालिसिस चल रहा था अभी, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का क्वांट का, अभी उसके अलावा और कुछ तो हुआ नहीं है। बट मैं आपको जहाँ तक बता दूँ ना इफ यू आर अपीयरिंग फॉर CAT 24, कि मुझे नहीं लगता कि उतना हार्ड है जितना हाइप कर दिया जाता है, जो कि बात सही है, हार्ड होता है कैट का पेपर, यू आर गिविंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री, तो हार्ड तो बिल्कुल होगा यार, हार्ड क्यों नहीं होगा। बट कभी कभार जब एग्ज़ाम देके आते हैं ना बंदे, तो कुछ ज़्यादा ही हाइप कर देते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ये वो। जब आप बनाने बैठे हो तो आपको लगता है ना कि अगर आप सही से चुनो तो आपको कुछ क्वेश्चंस डुएबल मिल जाएंगे। मैथ्स में भी यही था, मैथ्स में सर ने, इनफैक्ट सर थे तो बहुत तेज़ी में सॉल्व तो नहीं किया उन्होंने, समझाए, बट उन्होंने करीबन 22 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर दिए। 15 अगर नहीं भी मानो तो एटलीस्ट चलो उनके आधा 7-8 क्वेश्चंस तो बन जाएंगे ना यार। तो मेरा टारगेट तो वही है कि क्वांट से मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं, ज़्यादा मुझे इंग्लिश और रीजनिंग पे ही ध्यान देना है। मुझे मेरा हमेशा से हो रहा है क्वांट्स में थोड़ा कमी रखूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है, तो जो चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है मैं उस पर थोड़ा और उसको मजबूत कर सकता हूँ। तो इंग्लिश ऐसा है कि मैं और मजबूत कर सकता हूँ, रीजनिंग पे थोड़ा मैं और अच्छा से काम कर सकता हूँ, क्वांट में थोड़ा कम ध्यान दे सकता हूँ, वो भी थोड़ा बैकफायर कर सकता है, बिकॉज हो सकता है कि अगले साल इंग्लिश का ही बहुत टफ कर दे तो उससे ज़्यादा परसेंटाइल निकल जाए, मैथ्स का ईजी कर दे, तो ये इम्प्रोवाइजेशन तो करनी पड़ेगी। बट जहाँ तक ओवरऑल पेपर का बात है, मैंने VARC रीजनिंग तो अभी तक नहीं देखा है, ज़रूर देखूंगा उसको भी, मैं बताऊंगा मुझे क्या लगता है। बट जहाँ तक क्वांट लगा, इट्स स्लॉट 1 एंड 2 वॉज अप टू डूएबल, अच्छा था, मतलब उसमें 6 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्लॉट 3 जो लोग कह रहे थे बहुत ही हार्ड था, लेट मी ट्राई, मैं भी उसको देख के बताऊंगा, बट 6 से 7 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए मतलब मेहनत करने पे। अभी थोड़ा दूर है कैट, करीबन आज 350 दिन बाकी हैं, तो थोड़ा दूर है, तो इट्स अचीवेबल, उतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। MT50 चाहिए, अवॉइड कर रहे हैं तो दिन भर सही रह रहा है, रात को सर्दी हो जा रहा है, गला में दर्द कर रहा है। देखो हम लोग ने डेडलिफ्ट कर लिया है, तो उसके बाद ना हमारे जो जिम के क्लीनर है ना सन्नी भैया, उनको भी लोग मोटिवेट कर दिया है, तो ये भी अब जिम करेंगे। अरे अरे मर जाएंगे, पागल है ना मरकर, अरे भाई
ये लोग किसी से भी जिम करा दे यार। अरे अरे भाई उठा लिया भाई, अरे उठा लिया भाई, अरे अरे भाई उठा ली सही में। सनी भाई प्रणाम प्रणाम, उठा लेंगे मैं, मार लिया भाई सही है, 140 मार, 140 मार। कल से सनी भाई ट्रेनर हम लोग के। तेरे लिए एक डायरी है और एक डायरी तेरे लिए। गो गो भाई डायरी कंटेंट आया ना। एक और बात की, अगर पिछले व्लॉग में हमने ध्यान दिया होगा तो एक सर ने एक बात बताई थी कि कैट में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बस 20% बढ़ते हैं, 80% आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और ये सच था। मुझे इनफैक्ट मैंने कैट का पेपर लाइव सॉल्व होते हुए तो मैंने पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, कम है, ज़्यादा दिमाग लगाना है। सो वो एक चीज़ था कि अगर आप कॉन्सेप्ट आपको कम भी पता है तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। आंसर कभी कभार होता है कि आपके सामने पड़ा हुआ है, ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते उस समय। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ पे। तो ये देखिए मेरी दवाइयों की आज फैक्ट्री, तो ये मेरी गलती के कारण ही है कि मैंने इसको अवॉइड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लगातार 3 दिन खाओ, मैंने 2 दिन खाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसको। तो फिर मुझे 4-5 दिन लगातार खाना पड़ रहा है इसको। क्या मजबूरी है यार। देखो कल का हमारे कोचिंग का क्या सीन है, जैट का डिस्कशन है 3 घंटे का, तो बहुत ही मज़ा आएगा। इट्स अबाउट ऑल अबाउट जैट एंड डिसीजन मेकिंग। और मंडे से रूटीन देखिए हमारा कि इट्स लाइक LR, ये सब जितने भी ओमेट्स के रीजनिंग बुक जो है ना हम लोग का, उसका है। इट्स अबाउट कि जैट में पूछा जाता है, एनमैट में पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड है। तो पूरा वीक पढ़ाई तो अब नहीं होगा, अब तो GDBI के सेशन ही होंगे। तो मज़ा आ रहा है यार, ये मुझे बहुत पसंद है। सो फाइनली माई डे इज़ कमिंग टू एन एंड। तो अभी मैंने दवाइयाँ भी खाई है, तो मेरी तबीयत अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये थोड़ा आवाज़ थोड़ा और भारी हो गया है, बट एनीवे आई थिंक अब तो कुछ दिन से आदत हो गई है मुझे, सो इट्स फाइन। तो रीजनिंग के आज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, एनालिसिस हो गए, उसके अलावा कुछ ना मैं करूँगा, अभी ना समय है ना ही मुझे अभी मन है कुछ करने का। सो यस, यही है कि रीजनिंग के मतलब आज बहुत लंबे सेशन हो गए, 2.5 घंटे का सेशन हो गया, तो रीजनिंग के कई बहुत सारे सेट बन गए, इट वॉज़ गुड। सो अभी मैं रीजनिंग कुछ दिन करूँगा, साथ में इंग्लिश रखूँगा, इंग्लिश आज नहीं कर पाया, थोड़ा सा और इंग्लिश करूँगा, और करीबन 10-15 दिन अभी यही रहेगा, उसके बाद कुछ चेंजेस फिर करेंगे, अभी तो 10-15 दिन मेरा स्ट्रैटेजी यही है। सो ऑन दिस साइड रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल। व्लॉग कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं, कभी कभी छोटे हो जाते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विद दिस एंड, और आई होप यू ऑल आर वेल। और ठंड से बच के रहना यार, अगर आपके यहाँ ठंड पड़ रही है तो बहुत बिगड़ जाता है पूरा रिदम पढ़ने उड़ने का। सो ख्याल रखो अपना, विश यू ऑल द बेस्ट, रब मेहर करे आप सब पे, बाय बाय।